नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार रावत मां सुजानी भारत आईटीआई में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बूटिंग पढ़ाने वाला हूं। व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग क्या है? हम लोग देखते हैं कि हम लोग फैन का स्विच ऑन करते हैं और फैन तुरंत रोटेट करने लगता है, बट कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इन सब को हम ऑन करते हैं तो डिस्प्ले शो करने में कुछ टाइम लगता है। तो जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं और जब तक डिस्प्ले शो ना करे, उस बीच में जो प्रक्रिया होती है वो उसे कहते हैं बूटिंग। बूटिंग में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, आइए हम लोग देखते हैं। बूटिंग में क्या होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं यानी पावर ऑन करते हैं, वैसे ही पोस्ट की प्रक्रिया होती है। पोस्ट कवर का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट की प्रक्रिया में क्या होता है कि पोस्ट जो है वो आपके बायोस को चेक करता है, बायोस को चेक करता है और आपके हार्ट जितने भी मदरबोर्ड में हार्डवेयर कंपोनेंट लगे होते हैं उसको चेक करता है। जैसे कि प्रोसेसर क्या होता है, और क्या करता है, बायोस को चेक करता है और प्रोसेसर को चेक करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं, वो क्या करता है, प्रोसेसर को ऑन कर देता है। लाइट जैसे ही कोर्स की प्रक्रिया चालू होती है, प्रोसेसर ऑन होता है। ये क्या करता है, इसमें जुड़े कंपोनेंट जितने भी मदरबोर्ड से कंपोनेंट जुड़े होते हैं उनको चेक करता है कि वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद आता है बायोस की प्रक्रिया। बायोस में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में क्या होता है कि ये आपके बायोस क्या करता है, बायोस में आपका रोम लोड होता है, यानी कि बायोस के अंदर ही प्रोग्रामिंग की गई होती है। बायोस के अंदर क्या होता है, रोम लोड होता है जिसके अंदर क्या की गई होती है, प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, बायोस क्या करता है, आपके हार्डवेयर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको सर्च करता है। बायोस क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है। उसके बाद आपके कंप्यूटर के मेन मेमोरी, कंप्यूटर के मेन मेमोरी में उसको लोड करता है। बायोस क्या करता है, हार्डवेयर को चेक करता है। हार्डवेयर में क्या चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करने के बाद वो आपके कंप्यूटर के मेन मेमोरी अर्थात रैम में लोड कर देता है। अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है तब आपका कंप्यूटर ऑन होता है। जो होता है वो आपका दो टाइप के होते हैं, बूटिंग दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, हॉट बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, हॉट बूटिंग क्या होता है,
हॉट बुटेन को ही वार्म बुटेन भी बोला जाता है। हॉट बुटेन को ही वार्म बुटेन के नाम से जाना जाता है। हॉट बुटेन कौन सी बुटेन होती है? जब आपकी कंप्यूटर ऑन होता है और कंप्यूटर चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ जाए और कंप्यूटर हैंग करने लगे, उस कंडीशन में जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं उसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है हॉट बूटिंग। ये कब होता है? जब कंप्यूटर ऑन रहता है तब। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है? कोल्ड बूटिंग ये होता है जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो और आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन होने से डिस्प्ले तक उसके बीच में जो प्रोसेस होता है कोल्ड बूटिंग होता है। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, हॉट बूटिंग में पोस्ट की प्रक्रिया नहीं होती है। हॉट बूटिंग में पोस्ट की प्रक्रिया नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि फैन तुरंत क्यों चलने लगता है और सिस्टम मेरा तुरंत क्यों नहीं ऑन होता है? जैसा कि हम लोग देखते हैं कि फैन को ऑन करते हैं तुरंत फैन चलने लगता है, सिस्टम को ऑन करते हैं सिस्टम तुरंत नहीं चलता है, उसमें टाइम लगता है। क्यों? उसका भी रीजन क्या होता है? बूटिंग होता है। वो कैसे? जैसा कि हम लोग जानते हैं रैम क्या होता है, रैम क्या होता है? एक ही टाइम पे रीड और राइट करता है। क्या करता है? रीड और राइट करता है। और हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं रैम क्या होता है, बोले टाइम मेमोरी होता है। बोले टाइम मेमोरी होता है रैम, एक प्रकार का बोले टाइम मेमोरी होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही लाइट चली जाती है रैम में जो भी रीड किया होता है, जो भी स्टोर किया होता है प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। तो जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं क्या करता है? रैम खाली होता है उस टाइम, रैम खाली होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को बंद किया, जैसे ही पावर ऑफ हुआ रैम खाली हो गया। तो जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में टाइम लगता है, इसी के वजह से कंप्यूटर या मोबाइल डिस्प्ले करने में टाइम लगता है।